हेलो नमस्कार। जब भी हम राजनीति में नेताओं से सवाल पूछते हैं कि आप राजनीति में क्यों हैं, तो उनका जवाब होता है कि या तो देश की सेवा के लिए या लोगों की सेवा के लिए। तो क्या राजनीति में सेवा की भावना होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए? नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ और मेरा मिशन है 1,00,000 फ्यूचर लीडर्स की उनके लीडरशिप डेवलप करने में मदद करना, ताकि वो हमारे देश को और समाज को एक अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सेवा की जो भावना है वो आपको एक अच्छे नेता के रूप में राजनीति में स्थापित करने में आपकी मदद कर सकता है। लीडरशिप की दुनिया में इसे कहा जाता है सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप वो है जिसके अंदर सेवा की भावना होती है और जो सेवा के लिए ही राजनीति में लोगों का नेता बनना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप एक बेहतर लीडर के रूप में अपनी पहचान राजनीति में लोगों के बीच बना सकें। सबसे पहले जो बात है कि कहा जाता है, इफ़ यू हेल्प पीपल गेट व्हाट दे वांट, दे विल हेल्प यू गेट व्हाट यू वांट। मतलब अगर आप लोगों की मदद करते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, तो बदले में लोग आपकी मदद करते हैं एक अच्छे नेता के रूप में राजनीति में स्थापित होने के लिए। यानी कि अगर आप लोगों की सेवा करते हैं तो लोग आपको मौका देते हैं अपनी सेवा करने के लिए राजनीति में एक अच्छे नेता के रूप में स्थापित होने के लिए। दूसरी जो बात, सर्वेंट लीडर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई पद होना चाहिए या इसके लिए आपको किसी ओहदे की जरूरत है। एनी वन कैन सर्व एंड लीड फ्रॉम एनी पोजिशन और रोल। सेवा करने की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। इसलिए असल में जो भावना है वो आपके अंदर से आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी सेवा लोगों को दे सकते हैं। तीसरी जो बात है, आपको किसी भी पद या पोजीशन की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई पद या पोजीशन मिलेगी तभी आप लोगों की सेवा करेंगे। सेवा करने की भावना आपके दिल में होनी चाहिए, वो नेचुरली आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। चौथी जो बात है, Try to see things from perspective of others। इसका मतलब है कि हमेशा दूसरों के नज़रिए को समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, उनको किस तरीके की आपकी मदद चाहिए। तो इससे आप बेहतर मदद कर सकते हैं, अपनी बेहतर सेवा दे सकते हैं, ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। अपनी अगर सफलता आपको नापनी है तो आपके पर्सनल अचीवमेंट से नहीं नापिए। आप अपनी सफलता को नापिए कि आपने दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाया, आपने दूसरों के जीवन में क्या वैल्यू एडिशन किया, और रोज आप ऐसा क्या काम करते हैं जिससे किसी के जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, उसे बेहतर महसूस करा सकते हैं आपके आसपास होने के लिए। तो ये आपकी सफलता का असली पैमाना होना चाहिए कि आपने कितने लोगों का जीवन बदला और कितने लोग आपसे प्रभावित हैं आपके काम से, आपकी सेवा से। और सर्वेंट लीडर एक अच्छा, अगर आपको सेवक बनना है राजनीति में, तो विदाउट जजमेंट सुनिए लोगों को। जब भी आप लोगों से बातचीत करें तो जजमेंटल मत होइए, बहुत ध्यान से दिल से उनकी बात सुनिए। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी बना के रखना चाहिए कि जो आप बोले वही आप करें, और जो आपके दिल में हो वही आपके ज़ुबान में हो। इसमें किसी भी तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आप जब लोगों की मदद करना शुरू करते हैं तो आप अपने अराउंड एक कम्युनिटी बनाते हैं, आपका एक ग्रुप तैयार होता है, आपके समर्थकों का समूह तैयार होता है, जो भविष्य में आपके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं। और पावर जो है उसको आप अपने मुट्ठी में दबा के मत रखिए, उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को एम्पावर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लीडर पैदा हो सके और आपका जो मिशन है, आपका जो काम है, उसे आप कई गुना और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। और इस तरीके से आप लोगों को डेवलप करिए और वो बदले में आपके लिए, आपके विजन के लिए काम करते हैं। दुनिया के जो महान नेता हुए हैं उन्होंने भी किस तरीके से जो सेवा की जो ताकत है उसे पहचाना, और इसी के माध्यम से उन्हें एक सफल नेता बनने का मौका मिला, और किस तरीके से लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यानी अपने आप को पाने का सबसे बढ़िया तरीका है अपने आप को खो देना। कहाँ खो देना? दूसरों की सेवा में। वैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा कि एवरी पोस्ट इज ऑनरेबल इन विच अ मैन कैन सर्व हिज कंट्री। यानी कि जहाँ भी देश की सेवा करने का मौका मिले, चाहे वो कोई भी पद हो, उसे बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाना चाहिए, उसमें कोई भी छोटे या बड़े का कोई भावना नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर की,
तो उन्होंने कहा था कि एवरीवन कैन बी ग्रेट बिकॉज एवरीवन एवरीवन कैन सर्व, हर कोई सेवा कर सकता है इसलिए हर कोई महान बन सकता है, इसलिए इसके लिए कोई पद के लिए आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है, हर किसी के अंदर एक काबिलियत है कि वो सेवा कर सके। और अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा कि आई स्टैंड हियर बिफोर यू नॉट एज अ प्रॉफिट बट एज हम्बल सर्वेंट ऑफ यू द पीपल, यानी कि मैं यहाँ आपके किसी देवता के रूप में या बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में आपके सामने नहीं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके एक सेवक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में। तो हमने देखा कि जितने भी महान नेता हुए उन्होंने भी इस सर्विस की जो पावर है इसको पहचाना, लोगों की सेवा में अपने जीवन को दिया, और यही वो कारण था कि आज हम उन्हें बहुत सम्मान की नज़रों से एक महान नेता के रूप में फॉलो करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तो साथियों, सर्वेंट लीडर बनने के लिए हमें बहुत ध्यान से ये बात को समझनी चाहिए कि सेवा की जो भावना है वो नेचुरली होना चाहिए। लोग बहुत समझदार होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि आप किसके मतलब के लिए काम कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए या उनके मतलब के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें उन्हें ये एहसास कराएं हम उन्हें कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, और सच में जो सेवा हम उनकी करें बदले में वो हमें नेता बनने में हमारी मदद करें, तो यही एक सच्ची सफलता होगी राजनीति के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो बात हुई है सेवा को लेकर वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आगे और भी इस तरह की बातों के लिए आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और फिर मैं हमारा जो VIP फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक आपके साथ हम शेयर करेंगे। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए कि आपके क्या राय है इस वीडियो के बारे में। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आगे भी हमारे जो नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।